आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि क्या 2018 में YouTube को स्टार्ट करना एक सही चॉइस है। अगर सही चॉइस है तो क्यों है, और नहीं है तो क्यों नहीं है। क्या आप लाखों रुपए महीना अर्न कर सकते हैं YouTube से? क्या इतना आसान है अर्न करना? आज के इस वीडियो में बात करेंगे। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा किन लोगों को YouTube स्टार्ट करना चाहिए और किन को बिल्कुल स्टार्ट नहीं करना चाहिए। तो ऐसे में अगर आप YouTube स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हैं, अपना चैनल बनाने के बारे में सोच रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। दोस्तों, मैं प्रवीण आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने दिल्ली के YouTube चैनल पे। तो अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। बेल आइकन को दबाना ना भूले। अगर आप बेल आइकन नहीं दबाएंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे, तो हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुंच पाएंगे, तो इस चीज का ध्यान जरूर रखें। तो इसी के साथ वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, बात कर रहे हैं कि क्या 2018 में YouTube को स्टार्ट करना एक सही चॉइस है या नहीं है, क्या आप इससे पैसा अर्न कर सकते हैं। सबसे पहले कुछ बातें बता देता हूं, उसके बाद हम बात करेंगे कि किनको स्टार्ट करना चाहिए और किनको नहीं करना चाहिए और कितना पैसा आप अर्न कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर हम बात करें YouTube की, तो लास्ट 2 सालों में YouTube में बहुत बड़े बड़े चेंजेस आए हैं। अगर हम बात करें 2016 की शुरुआत की, तो उस समय अगर आप YouTube स्टार्ट करते थे तो उसमें आपको कोई टारगेट पूरा करने की जरूरत नहीं होती थी, राइट? आपने बस सीधा अपना अकाउंट बनाया YouTube पे, वीडियोस अपलोड किए, वीडियोस अपलोड करने के बाद डायरेक्ट आपके वीडियोस पे ऐड आने शुरू हो जाते थे, आप Google के पार्टनर प्रोग्राम में शामिल हो जाते थे। बट आज के समय में ऐसा नहीं है। जब मैंने ज्वाइन किया था तो उस समय 10,000 व्यूज का क्राइटेरिया था कि एक जो नया कंटेंट क्रिएटर है उसको एक और 10,000 व्यूज उसको कंप्लीट करने होते थे। बट आज ये और जो है YouTube ने नियम जो है कड़े कर दिए हैं। आज के समय में अगर आप YouTube स्टार्ट करते हैं तो आपको 1,000 सब्सक्राइबर पूरे करने पड़ेंगे, 10,000 व्यूज पूरे करने पड़ेंगे। साथ ही साथ जो सबसे टफ पार्ट है एक नए कंटेंट क्रिएटर के लिए, वो है कि आपको 4,000 घंटों का वॉच टाइम पूरा करना पड़ेगा, तभी आप YouTube के पार्टनर प्रोग्राम में शामिल हो सकते हो, तभी आपके वीडियोस पे ऐड आएंगे, राइट? ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं आपको बता देता हूँ, 2016 के बाद जितने कंटेंट क्रिएटर YouTube पे आए हैं उतने कभी भी नहीं आए थे। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि 2016 में जब जियो आया इंडिया में, इंटरनेट सस्ता हो गया, तो ऐसे में इंटरनेट की एक्सेस जो है सभी के पास आ गई। तो इसी दौरान कुछ ऐसे कंटेंट क्रिएटर भी आए जो लोगों की कॉपी करके जो है YouTube पे अपलोड कर रहे थे और लोगों का काम चोरी करके खुद पैसे बना रहे थे। तो ऐसे में YouTube को अपनी पॉलिसीज जो है स्ट्रिक्ट करनी लगी। बीच में आप लोगों ने, अगर आप लोगों को नहीं पता तो मैं आपको ये भी बताता हूँ, बीच में YouTube के जितने भी एडवर्टाइजर्स हैं उन्होंने भी बैक ऑफ कर लिया था, एड्स देने बंद कर लिए थे, क्योंकि वो उनके तरफ से एक कंप्लेन आ रही थी कि ऐसे वीडियोज़ में ऐड चलाई जा रही है जहाँ पर उनका कोई रेलेवेंस ना हो, राइट? तो ऐसे लोगों को लिमिट में करने के लिए, ऐसे लोगों को काबू में करने के लिए जो कि दूसरों का कंटेंट डालते हैं, फेक कंटेंट डालते हैं, YouTube ने अपनी पॉलिसीज़ को जो है स्ट्रिक्ट कर लिया। तो ये कोई बुरी चीज़ नहीं है दोस्तों, राइट? तो अगर आप आज की डेट में भी अपना एक चैनल स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। मैं मानता हूं कि जो रूल्स वगैरह है वो हार्ड हो गए हैं, टफ हो गए हैं, बट अगर आप एक जेन्युइन क्रिएटर है तो आपके लिए ये रूल्स को जो कंप्लीट करना कोई बड़ी बात नहीं है, राइट? आपको जो करना है, आपको जो है अच्छा कंटेंट बनाते रहना है अपने ऑडियंस के लिए। तो अगर सबसे पहले आप YouTube चैनल स्टार्ट करना चाहते हो तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप इस चीज़ की पूरी स्टडी कर लो कि आप किस टॉपिक पे वीडियोस बनाने वाले हो, कितने वीडियोस बनाओगे। देखिए, एक दो वीडियोस से नहीं होने वाला, रातों रात कुछ नहीं होगा, आपको जो है कंटिन्यूसली वीडियोस बनाने पड़ेंगे, रोज़ बनाने पड़ेंगे। इनिशियली व्यूज़ नहीं आते, किसी के भी नहीं आते, राइट? आप ही अकेले नहीं होंगे, व्यूज़ नहीं आएंगे, बट धीरे धीरे जैसे आपका कंटेंट जो है पॉपुलर होने लगेगा लोगों में, लोग आपके कंटेंट देखने लगेंगे और आपके व्यूज़ भी आने लग जाएंगे। और रही बात कि 2018 में YouTube को स्टार्ट करने से कितना पैसा अर्न कर सकते हैं, तो आप लाखों रुपए आज भी अर्न कर सकते हैं। आज अपॉर्चुनिटी आपके पास ज़्यादा है क्योंकि अब आप देखते हैं कि जो वो फेक क्रिएटर्स थे जो कि दूसरों का कॉपी करके डालते थे, उन फेक क्रिएटर्स पे YouTube ने अपनी नकेल कस ली है। तो आज की डेट में कोई भी ऐसा इंसान दूसरों का कॉपी करके खुद पैसे नहीं बना सकता YouTube पे। तो ऐसे में आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं, आज की डेट में इंटरनेट का यूज जो है बढ़ता जा रहा है इंडिया में, तो ऐसे में लोग ज्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं यूट्यूब पे, तो आपके लिए भी एक बहुत अच्छा मौका रह सकता है, आप इसको स्टार्ट करें। जो मेन चीज लगती है वो ये है कि आपको कंटेंट बनाते रहना पड़ेगा, रोज बनाते रहना पड़ेगा, अच्छा कंटेंट बनाना पड़ेगा, अपना कंटेंट बनाना पड़ेगा, दूसरों का कॉपी करके आप नहीं कमा सकते, राइट? तो अगर आप इस तरीके की सोच रखते हैं तो आप बिल्कुल स्टार्ट करिए, जिस भी टॉपिक पे करना है स्टार्ट करिए, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आपके लिए रह सकती है। तो दोस्तों, इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखिए अगर आप एक चैनल स्टार्ट करना चाहते हैं। साथ ही साथ अगर आपको नहीं पता वीडियो कैसे एडिट करते हैं, चैनल कैसे बनाते हैं, सर्च इंजन कैसे करते हैं, तो इन सभी से रिलेटेड हमने बहुत सारे वीडियोज़ अपने चैनल पर बनाए हुए हैं। उन वीडियोज़ के लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, साथ ही साथ आपको ऊपर आई बटन पर भी वो वीडियोज़ मिल जाएंगे, उन वीडियोज़ को जाके चेक जरूर करना अगर आप चैनल स्टार्ट करना चाहते हैं, आपकी हेल्प जरूर। इसके अलावा अगर आपके कोई सवाल है, आपके कोई क्वेश्चन है, तो आप हमेशा की तरह कॉमेंट सेक्शन पर लिख के पूछ
सकते हैं। आपको कैसा ये लगा वीडियो ये हमें जरूर बताएं कमेंट सेक्शन पे लिख के। इसके अलावा दोस्तों अगर आप वीडियो पसंद आता है तो प्लीज लाइक जरूर करें, इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने फेसबुक व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर करें ताकि लोगों को भी ज्यादा से ज्यादा इन्फॉर्मेशन कम समय में पता लग पाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।